हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं altnews.in। हम लाए हैं आपके लिए इस बीते हफ्ते के हमारे टॉप 5 फैक्ट चेक्स, जिन्हें हम बताएंगे फटाफट स्टाइल में और जिन्हें पूरी डिटेल में आप हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले फैक्ट चेक से, जो कि जुड़ा हुआ है हाल ही में आए यूपीएससी रिजल्ट से। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से आने वाली नादिया बेग ने यूपीएससी क्लियर किया है। रिजल्ट्स आने के बाद नादिया के ट्विटर अकाउंट की बात होने लगी। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि नादिया बेग का अकाउंट एंटी नेशनल गतिविधियों से भरा हुआ है और उनके दिल में पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। ये ट्विटर अकाउंट फिलहाल डिलीट हो चुका है। ऑल्ट न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि अकाउंट असल में नादिया बेग का था ही नहीं, बल्कि ये एक फर्जी अकाउंट था। इस अकाउंट को पहले @indolentuser हैंडल से चलाया जाता था। इस सच्चाई तक पहुंचने में हमें मदद मिली ट्विटर की एक टेक्निकलिटी से। क्या है ये टेक्निकलिटी? इसे कहते हैं न्यूमेरिक ट्विटर आईडी। ये न्यूमेरिक ट्विटर आईडी हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। जैसे मेरे फिंगरप्रिंट्स किसी और के नहीं हो सकते, वैसे ही एक अकाउंट की न्यूमेरिक आईडी किसी और अकाउंट की नहीं हो सकती। तो ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल हो रहे ट्विटर अकाउंट की और @indolentuser की न्यूमेरिक ट्विटर आईडीज कंपेयर की और मालूम पड़ा कि ये दोनों एक ही हैं। इस पूरे फैक्ट चेक को तफसील से आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट या ऑल्ट न्यूज की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नादिया बेग के इस केस में @decibel008 नाम के एक ट्विटर हैंडल ने इस फर्जी अकाउंट के पुराने ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, जिसमें कभी इसे चलाने वाले शख्स की अपलोड की हुई प्रोफाइल पिक्चर देखी जा सकती है। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट चेक की तरफ। हाल ही में एक तस्वीर खूब शेयर की गई। बताया जाने लगा कि देवेंद्र शर्मा नाम का एक डॉक्टर पुलिस की पकड़ में आया है। दावे के मुताबिक देवेंद्र शर्मा लोगों को कोविड का मरीज बताकर एडमिट कर लेता था और फिर उन्हें मार डालता था। सोशल मीडिया के क्लेम्स के अनुसार ये आदमी 100 से ज्यादा मर्डर कर चुका है और मारने के बाद वो लोगों की किडनी निकाल लेता था और लाशों को मगरमच्छ से भरे तालाब में डाल देता था। इस तस्वीर को और इससे जुड़े इन दावों को खूब शेयर्स मिले, जबकि इसकी असलियत यह है कि देवेंद्र शर्मा नाम के इस डॉक्टर का कोरोना से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये 2004 से जेल में बंद है और इसे 2007 में फरीदाबाद के एक सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। देवेंद्र को यह सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उसने 2002 में पलवल में एक कैब ड्राइवर को मार डाला था। देवेंद्र और उसका गैंग मिलकर एक कैब लेते थे और रास्ते में कैब ड्राइवर को मारकर उसकी लाश को मगरमच्छ वाले तालाब में डाल देते थे और फिर कार बेच दिया करते थे। फरवरी 2020 में 16 साल जेल में बिताने के बाद 62 साल का देवेंद्र परोल पर 20 दिनों के लिए बाहर निकला और फिर गायब हो गया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र 90 के दशक में सक्रिय किडनी रैकेट में भी शामिल था। अगला फैक्ट चेक है राम मंदिर के इर्द-गिर्द। लोगों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की एक तस्वीर शेयर करनी शुरू की और कहने लगे कि राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर टाइम्स स्क्वायर में हिंदू देवता राम की तस्वीरें दिखाई गईं। यहां यह बता दिया जाए कि शिलान्यास की तारीख 5 अगस्त थी और ये तस्वीरें उसके एक दो दिन पहले से ही शेयर की जा रही थी। एक तमिल प्लेटफॉर्म ने तो खबर तक छाप दी जिसमें लिखा हुआ था कि श्री राम भूमि पूजन के मौके पर टाइम्स स्क्वायर में जय श्री राम के नारे बजाए जाएंगे और उसमें इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था जो इंटरनेट पर वायरल हुई। इसकी असलियत यह है कि यह एडिट की हुई है। फिलहाल आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसी में राम की तस्वीरों को एडिट कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि वाकई टाइम्स स्क्वायर में राम मंदिर के शिलान्यास के जश्न में ऐसा नजारा देखने को मिला। और यहां मैं यह साफ कर दूं कि 5 अगस्त को वाकई में टाइम्स स्क्वायर के एक बिलबोर्ड पर राम मंदिर से जुड़ी तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन यह तस्वीर जो 5 अगस्त के पहले ही वायरल हो रही थी फेक है। और अब चलेंगे राफाल की तरफ। जी, मैं इसे राफाल बोलूंगा न कि राफेल या राफाइल, क्योंकि मुझे इन साहब पर पूरा भरोसा है। खैर, बात मुद्दे की। फ्रेंच कंपनी द्वारा निर्मित 5 राफाल विमान 29 जुलाई को हिंदुस्तान आए। इसी से जोड़कर एक 11 सेकंड का वीडियो शेयर किया जाने लगा जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये फ्रांस से इंडिया आने वाले राफाल जेट्स हैं। इनमें उड़ान के दौरान ही ईंधन भरा जा रहा है। ये भी सही दावा नहीं है। ऑल्ट न्यूज को मालूम पड़ा कि ये वीडियो असल में ब्राजीलियन एयरफोर्स ने 28 दिसंबर 2018 को ट्वीट किया था। भारत आ रहे राफाल विमानों को बीच उड़ान ईंधन भरे जाने की तस्वीरें फ्रांस में इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट की थी और वो ऐसी नहीं थी। इस फैक्ट चेक को आप फुल डिटेल में ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट www.altnews.in पर पढ़ सकते हैं। अब बारी 5वें और एक जरूरी फैक्ट चेक की। एक हवाई जहाज के अंदर की तस्वीर शेयर की जा रही थी।
सोशल मीडिया पर इस आलीशान जहाज के बारे में कहा जा रहा था कि ये वही जहाज है जो कि इंडिया आ रहा है और इसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीआईपीज की सेवा में लगाया जाएगा। इस तस्वीर के दम पर इलेक्शन मोड में चल रही आरजेडी और एमपी कांग्रेस के जीतू पटवारी आदि ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। कांग्रेस के और भी हिस्सों ने इसी तस्वीर के दम पर नरेंद्र मोदी पर विलासिता पूर्ण जीवन जीने के आदि हो जाने जैसी बातों के जरिए तंजनुमा बातें कही। जबकि मुद्दा यह है कि ये जो तस्वीर ये सभी दिखा रहे हैं ये उस जहाज की है ही नहीं जो इंडिया आ रहा है। 10 अक्टूबर 2019 के इंडिया टुडे के आर्टिकल के मुताबिक जुलाई 2020 तक दो बोइंग 777 विमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए भारत आ जाने चाहिए थे, लेकिन बीच में विश्वव्यापी लॉकडाउन के चलते इसमें कुछ डिले हुआ और ये प्लेन सितंबर 2020 तक इंडिया आ जाएंगे। लेकिन जिन तस्वीरों के दम पर आरोपों की बौछार की जा रही है वो बोइंग 777 नहीं बल्कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। इन दोनों प्लेन्स में क्या फर्क है, इन्हें कौन बनाता है और इससे जुड़ी और भी जानकारियां आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट या ऑल्ट न्यूज की ऐप डाउनलोड कर वहां मौजूद डिटेल्ड रिपोर्ट के जरिए पा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां आपको और भी फैक्ट चेक्स मिलेंगे जो आपको गलत जानकारियों से दूर रखेंगे और मिस इन्फॉर्मेशन की इस लड़ाई में आपको बेहद मजबूत बनाएंगे। ऑल्ट न्यूज एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके योगदान से ही चलती है। हमें उम्मीद है कि गलत जानकारियों, गलत दावों और तमाम अलग अलग तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के इस प्रोसेस में आप भी शामिल होंगे और हमारी हर संभव मदद करेंगे। ऑल्ट न्यूज को डोनेट करने के लिए जाएं www.instamojo.com/@ऑल्ट न्यूज पर। मेरा नाम है केतन और बने रहिए ऑल्ट न्यूज के साथ।